वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसकी हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की हुई है। यूनिट नंबर फोर्थ और फिफ्थ कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर इस सब्जेक्ट की, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अभी आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो इस वजह से आपका, मुझे लगता है सभी कॉलेज में पहली यूनिट ही स्टार्ट होती है, तो आप इन टॉपिक्स को डे बाय डे पढ़ने की, वीडियो देखने की आदत डाल लीजिए, जिससे कि आपके ऊपर वर्डन ना आए जब आप सिलेबस को देखें और अपना सिलेबस कवर अप करने की कोशिश करें। तो डे बाय डे आप एक एक वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। अगर आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं तो आपकी फिजिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है, पांचों की पांचों यूनिट हमारे चैनल पर, वो जाकर आप चेक कर सकते हैं। यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज वहां पर टॉपिक्स पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की भी हमारे पास पांचों वीडियोज अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए और कहीं पे किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है सीधा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नोट्स के लिए मैं बार बार कहता हूं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, साथ ही साथ मैं हर स्लाइड में यहां पर नीचे ऐड भी किए हुए हूं, तो आप वो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो आप परेशान ना हो किसी भी तरीके से। तो चलिए, और सबसे पहले अभी आप 2 सेकंड वीडियो को पॉज करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपनी इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चा जुड़े और ज्यादा से ज्यादा बच्चा लाभ उठा सके। चलिए आ जाइए शेयर करके। और आज का जो हमारा टारगेट है वो वोहर मॉडल को समझने का है और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो दो टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं उनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा कंपेयर टू हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, वो हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हम सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, क्यों सेमीकंडक्टर मटेरियल की नीड हुई हमें, वो हम पढ़ चुके हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि वोहर मॉडल क्या है और सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या डिफरेंस है। तो जैसा आप देख रहे होंगे वोहर मॉडल, तो वोहर मॉडल को हम समझते हैं पहले। द वोहर मॉडल प्रपोज्ड बाय द नील बोहर इन 1913 वाज एन अर्लियर अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। यानी कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, तो उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, ये 1913 में नील बोहर ने डिस्क्राइब किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इट वॉज प्राइमरली डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन को उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। व्हाइल द वोहर मॉडल इज नाउ कंसिडर्ड समवॉट स्पेशलिस्टिक एंड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द मोर एक्यूरेट मॉडल्स लाइक द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इट कैन प्रोवाइड ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ और एनर्जी लेवल्स। मतलब कहने का यह है कि वोहर मॉडल ने जो एक्सप्लेन किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, जो आप क्वांटम फिजिक्स की पहली यूनिट पढ़ते हैं, और जहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आई उनको एक्सप्लेन किया उस क्वांटम मैकेनिक्स के, जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कॉन्सेप्ट है उन्होंने। ठीक है, तो वोहर मॉडल सिंपल वे में हम कहें, केवल आपको इतना समझना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एटम में होते हैं उनको बताता है। आगे, अकॉर्डिंग टू वोहर मॉडल कुछ पॉइंट्स यहां पर दिए हुए हैं, एनर्जी लेवल्स को बताया गया। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ और ऑर्बिट। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस से वेल डिफाइंड होता है एक सर्कुलर पाथ में, या कनेक्ट होता है एक सर्कुलर पाथ में, विच कॉरेस्पॉन्ड टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को शो करता है। दीज एनर्जी लेवल्स आर ऑफ्टन रेफर टू एज सेल्स, और इन्हीं एनर्जी लेवल्स को हम सेल बोल देते हैं, डिनोटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिनको हम स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। द लार्जर द वैल्यू ऑफ एन द फर्दर द इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि जितनी ज्यादा वैल्यू एन की होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे, एंड द हायर इट्स एनर्जी, और उसकी एनर्जी जो होगी वो हायर होगी। सपोज जैसे ये एक ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया, माना यहां तक इलेक्ट्रॉन है इसमें मटेरियल में, और एक है 1 2 3 4, तो इसमें 4 हैं,
इसमें यहां तक इलेक्ट्रॉन है का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां पर देखें हम तीन एनर्जी लेवल है, यहां पर चार है, तो इस वाले मटेरियल का एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन। और ये कह सकते हैं कि जो ये न्यूक्लियस है इससे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट पे वो कम दूरी पर है कंपेयर टू दिस वन, यहां पर ज्यादा दूरी पर है। तो ये हो गया एनर्जी लेवल्स या जिसको हम सेल बोल देते हैं। अब आते हैं क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम क्या है। वोहर प्रपोज्ड दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड एंड इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। यानी कि बोहर ने प्रपोज किया एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जो ये पर्टिकुलर ऑर्बिट है ये सर्कुलर फॉर्म दिख रही होगी ना आपको, इसी को ऑर्बिट बोला जाता है, और इसमें जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का उसको डिफाइन कराया जो मल्टीपल है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एच अपॉन टू पाई के, यानी कि एच यहां पर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है जिसको डिवाइड किया गया है टू पाई से। तो मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज एम वी आर इक्वल्स टू एन, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है यहां पर, ये है एच अपॉन टू पाई, वेयर एम क्या है नंबर ऑफ, एम इज द इलेक्ट्रॉन मास, वी इज इट्स वेलोसिटी, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे कि यहां से इसकी कितनी डिस्टेंस है आउटर वाले की देख ली या सेकेंड वाले की देख ली या फर्स्ट वाले की देख ली, एंड एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। तो ये क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम को भी डिफाइन करता है बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन के किसी एटम में। वहीं पर आगे बात करें रेडिएशन एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, रेडिएशन और रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन और एमिशन इसको भी डिफाइन किया जाता है कैसे, इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एग्जिट इन दीज क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स में मिलते हैं एग्जिस्ट करते हैं, एंड व्हेन दे मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, और जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाते हैं दे एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट पैकेट कॉल्ड क्वांटा, और तब वो एनर्जी को एमिट करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं पैकेट की फॉर्म में जिनको हम क्वांटम बोलते हैं। द एनर्जी ऑफ दीज क्वांटा इज रिलेट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिट और एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स, जो रिलेट करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से जो एमिट की जा रही है या एब्जॉर्ब की जा रही है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो ये रेडिएशन ऑफ रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन और एमिशन को भी डिफाइन करता है आपका बोहर मॉडल। वहीं पर क्वांटाइज एनर्जी लेवल को भी बताता है। तो द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज मीनिंग दैट दे कैन ओनली ऑक्यूपाई सर्टेन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल एंड नॉट द स्पेसेस इन बिटवीन। मतलब ये जो क्वांटाइज एनर्जी लेवल का मतलब यहां पर यह है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिफाइन कर रहा है, लिए हुए है। जैसे इस ऑर्बिट में है तो इसका कुछ एनर्जी लेवल पर्टिकुलर है, इसमें है तो इसका कुछ एनर्जी लेवल पर्टिकुलर है, तो ये क्वांटाइज एनर्जी लेवल इसको बोला जाता है। आई होप यहां तक आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। बोहर मॉडल के ये कुछ पॉइंट्स है जो एक्सप्लेन करते हैं बोहर मॉडल। आगे अगर हम बात करें फोर डिफरेंट क्लासेस जिनको हम सेल्स बोल देते हैं, हिंदी में आप कक्षा बोलते हैं, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ना, इन बोहर मॉडल। तो ईच सेल हैज ए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ जो जितने भी सेल्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन ऑक्यूपाई ए सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एन ई लिखा हुआ है, इक्वल्स टू टू एन का स्क्वायर। एन यहां पर जो है वो सेल का नंबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट सेल एन की वैल्यू अगर 1 है तो दैट मीन्स द क्लोजेस्ट सेल टू द न्यूक्लियस, सबसे क्लोजेस्ट सेल है न्यूक्लियस का, और इट कैन होल्ड अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि क्योंकि जब आप एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और यहां पर 2, यानी कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है पहला सेल। वहीं पर सेकेंड सेल देखें जहां पर एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो जो क्लोजेस्ट सेल था न्यूक्लियस के उससे नेक्स्ट एनर्जी लेवल इसको कहेंगे, और फार्दर होगा न्यूक्लियस से कंपेयर टू पहले वाले सेल, और इट कैन होल्ड अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप 2 और एन की वैल्यू भी 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 इंटू 4 दैट मीन्स वी गेट द 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस सेल में रहेंगे वो 8 रहेंगे। वहीं पर अगर थर्ड सेल देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएंगे, और ये वाला सेल थर्ड सेल सेकेंड सेल से दूर हो जाएगा और इससे भी दूर हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से अलग अलग सेल में एक लिमिट होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो n इक्वल्स टू 2 n की पावर 2 से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से सेल में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स
की कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये बोहर मॉडल था। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। कुछ बोहर मॉडल्स की हेल्प से कुछ जो हमारे मटेरियल होते हैं उनके एटॉमिक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और वो ऑर्बिट की फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया। जैसे आर्सेनिक एक है जिसका एटॉमिक नंबर है और उसको हमने डिवाइड किया है 2818 5, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 33 है। तो 33 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है। पहली क्लास है उसमें 2 रहते हैं मैक्सिमम, फिर अगली में 8 होंगे जैसे यहाँ पर है, पहली में 2 फिर 8, नेक्स्ट में मैक्सिमम 18 हो सकते हैं क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखें 2n की पावर 2, तो 2 × 3 का स्क्वायर 9, देन वी गेट 18। तो इस सेल में 18 है और लास्ट में आपका 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में 5 हैं। तो अगर आप यहां से कंपेयर करें तो ये AS जहां पर लिखा हुआ है ये न्यूक्लियस है, तो पहला ऑर्बिट हो गया ये, इससे और थोड़ा सा डिस्टेंस पर दूसरा ऑर्बिट हो जाएगा, फिर और थोड़ी सी डिस्टेंस पर तीसरा ऑर्बिट मिलेगा, और थोड़ी सी डिस्टेंस पर चौथा ऑर्बिट मिलेगा। तो आर्सेनिक के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हैं। इनको हम एनर्जी लेबल्स भी बोल सकते हैं, पहला एनर्जी लेबल, दूसरा एनर्जी लेबल, तीसरा एनर्जी लेबल और चौथा एनर्जी लेबल। ठीक है, वैसे ही अगर हम वोरोन की बात करें, वोरोन मटेरियल उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है, तो एक में पहले में 2 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जो बचा उसमें 8 होते हैं मैक्सिमम, 3 है तो हम 3 का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। जैसे ये पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरे सेल में एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है 2 और एक ये है 3। ठीक है, ये और ये हम यहाँ पर जो V लिखा हुआ है ये न्यूक्लियस अगर हम मान लेते हैं, तो अलग अलग सेल्स जो हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पर न्यूक्लियस से बॉन्ड है। ठीक है, चलिए ऐसे ही जो हमें पढ़ना है यहाँ पर, जिसकी हमें स्टडी करनी है, वो सिलिकन और जर्मेनियम है। सिलिकन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14, तो 14 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2 8 4 में। ठीक है, यानी कि पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पर 2 है जिसको हम पहला सेल बोल सकते हैं, ये न्यूक्लियस सपोज हमने माना तो इसकी डिस्टेंस ये हो गई यहाँ पर। फिर दूसरे वाले सेल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हमने भर दिए और जो बचे 4 वो तीसरे सेल में आ गए, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 और 4। तो अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से रहेगा सिलिकन का। वहीं पर जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 2 8 10 और 28 और 32, यानी कि 32 है, तो 32 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 8 18 और 4, यानी कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स जो मैक्सिमम है, चौथे में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नहीं बचे, तो इसलिए जो बचे हुए हैं वो फोर्थ सेल में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप जर्मेनियम का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन एटम में देख सकते हैं। यहाँ पर आपके 4 सेल बनते हैं, एक सेल, फिर यहाँ पर ये दूसरा सेल, फिर यहाँ पर ये तीसरा सेल और एक आउटर मोस्ट सेल, ये आज का चौथा सेल। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ सेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ सेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे वोहर्स मॉडल वोहर मॉडल जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है एटम के अंदर। अब आगे देखते हैं सिलिकन और जर्मेनियम के बारे में। उससे पहले क्या नोट यहाँ पर लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं, कलर चेंज करें यहाँ पर। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द बोहर मॉडल इज ए सिंप्लीफिकेशन एंड हैज द लिमिटेशन। बोहर मॉडल सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि सिंपल वे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशन भी है, स्पेशली इन डिस्क्राइबिंग एटम्स बियॉन्ड हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन है या कुछ मटेरियल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को ये डिस्क्राइब नहीं कर पाया, ये इसकी लिमिटेशन है। द मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द क्वांटम मैकेनिक्स। जो आप इंजीनियरिंग फिजिक्स का पहला वाला यूनिट पढ़ेंगे वो मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर पाया इलेक्ट्रॉन्स को, विच यूज इज वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन का यूज करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्क्राइब द लाइकली लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जो वेव फंक्शन का यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का उनकी लोकेशंस को एटम में कहां पर लाई कर रहे हैं वो बहुत एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर पाए। तो ये कुछ बोहर मॉडल्स की एडवांटेजेस थी, एक लिमिट भी यहां पर बताई गई और उस लिमिट को मिनिमाइज किया गया क्वांटम मैकेनिक्स से डिस्क्राइब करने के लिए इलेक्ट्रॉन की पोजिशंस को एटम में।
ठीक है। तो आई होप बोहर मॉडल क्या है, क्या उसकी लिमिटेशन थी, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, यानी कि कंक्लूजन बोहर मॉडल क्या देता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब बात कर लेती है थोड़े सिलिकन और जर्मेनियम की। थोड़ा सा अजीब सा यहाँ पर आपको देखने को लग रहा होगा मैटर, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। सिलिकन एंड जर्मेनियम्स आर टू मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स, यानी कि सिलिकन और जर्मेनियम दो मोस्ट वाइडली यूज्ड होने वाले सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। वहीं पर सिलिकन इज प्रीफर्ड ओवर द जर्मेनियम, सिलिकन जर्मेनियम से ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स सुपीरियर थर्मल प्रॉपर्टी, इसकी सुपीरियर थर्मल प्रॉपर्टी के कारण। अगर मैं आपको लेकर चलूँ सिलिकन और जर्मेनियम के इस पर बोहर मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो सिलिकन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो तीन सेल में हो गया, थ्री सेल्स में है ना, यानी कि इस पे जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा दूर नहीं है कंपेयर टू द जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम में जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, यानी कि एक सेल और बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस से जो बॉन्डिंग है वो बढ़ती जा रही है, मतलब बढ़ने का मतलब दूर होती जा रही है, जिससे कि सॉरी न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थे वो बॉन्ड जो है वो बहुत ही वीक होता जा रहा है, और वीक होने का मतलब ये हो गया कि जो थर्मल प्रॉपर्टी है वो जर्मेनियम की कंपेयर टू सिलिकन कम हो गई है। यही चीज है, यही कारण है कि जर्मेनियम को सिलिकॉन से कम प्रेफरेंस दी जाती है। द मैक्सिमम ऑपरेशनल टेम्परेचर फॉर द जर्मेनियम डिवाइसेस इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कहने का मतलब यह है जहां पर आपको फास्ट स्विचिंग के लिए डिवाइस बनाना है तो जर्मेनियम इज बेस्ट, लेकिन अगर आपको फास्ट स्विचिंग नहीं देनी है, यानी कि आपको इस तरीके से अपने सिस्टम को डिजाइन करना है कि थर्मली उस पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े उसके आउटपुट पर, तो सिलिकन इज बेस्ट, बिकॉज वाइल सिलिकन डिवाइसेस मे बी यूज्ड एट अप टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो यानी कि इससे जस्ट डबल है आपका टेम्परेचर फॉर द सिलिकन। वहीं पर ऑल्सो एट रूम टेम्परेचर सिलिकन क्रिस्टल्स हैज ऑलमोस्ट नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू विद जर्मेनियम क्रिस्टल, यानी कि रूम टेम्परेचर पर सिलिकन में कंपेयर टू द जर्मेनियम कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि कंडक्शन कराने के लिए आपका पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है जब आप करंट को कंडक्ट कराते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई होप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिलिकन एंड जर्मेनियम, क्यों हम सिलिकन को प्रेफर करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बैंड क्या होता है, होल्स क्या होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मैं लेके आऊँगा, जिसको आप समझ लेंगे तो फर्स्ट यूनिट बहुत इजी हो जाएगी। उन चीज़ों को समझकर आपको आगे वीडियो जो यूनिट है उसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो आगे हम कुछ कंक्लूजन यहाँ से निकाल लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिनकी मदद से आप कंक्लूड कर पाएंगे कि क्यों हम जर्मेनियम की कंपैरिजन में सिलिकन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सबसे पहला तो एटॉमिक नंबर ही 14 होता है सिलिकन का और जर्मेनियम का 32 होता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल है आपका थ्रू आउट द वर्ल्ड सिलिकन, नो कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल है आपका जर्मेनियम। इसी की लड़ाई है क्यों हम सिलिकन को ज़्यादा यूज करते हैं कंपेयर टू द जर्मेनियम, यही हम खोजना चाह रहे हैं। पहला तो पॉइंट हो गया चीपर है, ये बिट एक्सपेंसिव है, क्योंकि सिलिकन जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो इजीली और बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, इसी वजह से ये थोड़ा सस्ता है। वहीं पर क्योंकि इंडिया में अगर कोई चीज़ लॉन्च होती है तो सबसे पहले उसका प्राइस, उसका कितना सस्ता है वो चीज़ देखी जाती है, तो उस वजह से भी हम कह सकते हैं कि सिलिकन का ज़्यादा यूज़ होता है। रिलायबल है कंपेयर टू द जर्मेनियम, और ये अनरिलायबल है कंपेयर टू द सिलिकन। अगर हम बात करें हीट एफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा हीट पर भी इसके आउटपुट पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये हीट सेंसिटिव है, हीट जैसे जैसे थोड़ी भी बढ़ती चली जाएगी इसकी आउटपुट वहाँ पर चेंज होती चली जाएगी, यानी कि थर्मल प्रॉपर्टी इसकी कमज़ोर है कंपेयर टू द सिलिकन। वहीं पर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है वो लाई करता है 500 से 800 ओम के बीच, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट को कम करता है। वहीं पर अगर आप फॉरवर्ड रेजिस्टेंस देखें किसका, जर्मेनियम का, तो ये आपका 200 से 400 ओम के बीच में लाई करता है, तो यहाँ पर करंट यानी कि कंडक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बहुत ही कम टेम्परेचर पर, या बहुत ही कम आपने बाहर से सप्लाई दी हुई है। तो
वहीं पर रिवर्स रेजिस्टेंस की बात करें तो ये सेवरल 100 मेगा ओम्स में आपका होता है सिलिकन का, वहीं पर ये रिवर्स रेजिस्टेंस जो है वो सेवरल 100 ऑफ किलो ओम्स प्रोवाइड कराता है, यानी कि रिवर्स रेजिस्टेंस इसका सिलिकन का ज़्यादा होता है जो अच्छा होता है कंपेयर टू द जर्मेनियम जिसका कम होता है रिवर्स रेजिस्टेंस। वहीं पर बात करें जब रिवर्स रेजिस्टेंस ज़्यादा और कम है तो इन रिवर्स वायसिंग सिलिकन हैज नेग्लिजिबल लीकेज करंट, यानी कि रिवर्स वायसिंग में नेग्लिजिबल लीकेज करंट आपकी प्रोवाइड कराता है सिलिकन मटेरियल से बना हुआ कंपोनेंट इलेक्ट्रिक। वहीं पर रिवर्स वायस में जर्मेनियम से अगर कोई कंपोनेंट बना हुआ है तो वो मोर लीकेज करंट प्रोवाइड कराता है। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ कंक्लूजन था जिससे कि आप एनालाइज कर पाएं और डिफ्रेंशिएट कर पाएं कि सिलिकन ही हम क्यों यूज करते हैं कंपेयर टू द जर्मेनियम इन द इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिलिकन ही यूज होता है जर्मेनियम नहीं होता है, जैसा मैंने बताया क्योंकि ये हीट सेंसिटिव ज्यादा है इस वजह से जहां पर हमें फास्ट स्विचिंग की का यूज करना होता है अपने सिस्टम को जल्दी से ऑन करने की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर आप जर्मेनियम मटेरियल का यूज करेंगे। तो ये कंक्लूजन था सिलिकन वर्सेस जर्मेनियम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी क्योंकि ये चीज़ें समझाना ज़रूरी है आपको सिलेबस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स हार्ड है, लेकिन अगर आप ये चीज़ें समझ लेंगे तो आप जब टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी, क्योंकि ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी हेल्प से हम एक्सप्लेन करेंगे आगे वर्किंग, और कुछ और टर्म्स होती हैं जो हम यूज़ करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, होल क्या होता है, बैंड क्या होता है, बैंड गैप क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश वहाँ पर करूँगा। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था अब लास्ट में भी बोल रहा हूँ, चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो के लिंक को सब तक प्रोवाइड कराने की कोशिश कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और जो वो सब्सक्राइबर्स का जो नंबर है वो इनक्रीज हो जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उन नंबर्स को इंक्रीज होता हुआ हम सोचते हैं कि हाँ स्टूडेंट्स हम पर विश्वास दिखा रहे हैं, कुछ हमें स्टूडेंट्स के लिए करना है। और कमेंट जरूर करें लेक्चर आपको कैसा लगा है, कमेंट पॉजिटिव ही मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूँ, अगर आपको कुछ कमी लगती है तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करें, क्या कुछ नया किया जा सकता है वो भी आप ज़रूर मेंशन यहाँ पर करें। तो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए और इंजीनियर्स गेटवे पर अपना विश्वास दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।